धार पुलिस परिवार की सार्थक पहल आशा का संदेश लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। एल्कोहलिकस एनोनिमस संस्था द्वारा नशा मुक्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में संसार के 200 से अधिक देशों में 50 लाख लोगों ने डबल ए संस्था की निशुल्क सहायता लेकर शराब से छुटकारा पाया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के प्रयासों से धार में यह कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कर्मी के शराब छोड़ने पर उसे 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। धार में आयोजित नशा मुक्ति हेतु आयोजित कार्यशाला में पुलिस के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। संस्था डबल ए से जुड़ने के लिए कोई भी शराब का आदि व्यक्ति या परिवार का कोई भी सदस्य जुड़ सकता है। यदि आप शराब पी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शराब आपको पी रही है तो ये मान के चलिए कि आपको तुरंत ही संस्था डबल ए से जुड़ने का समय आ गया है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। अच्छा, लेकिन जो इंसान उसमें वो जेल में कमी है उसमें ये रिसाल कर निकालने के लेने की प्रक्रिया और बोनस क्या होगा? बोनस चला सिर्फ चला तो कुछ भी, आपकी सेहत कैसी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, उससे कोई फर्क नहीं। आपके घर में कोई बीमार है, ये सब कुछ अलग हो जाता है। और मुझे समझ में आता है कि मुझे सिर्फ अभी मेरी डिमांड पूरी करनी है और ये बीमारी मुझे हो रही है, ये आदमी को पता नहीं चलता। ये संदेश पहुंचना और संदेश मिल जाना कि शराब से नशा मुक्ति का, अगर हमको नशा छोड़ना है, शराब से दूर होना है, तो उसका कोई रास्ता हो। आज धार पुलिस का और आप अधिकारियों के माध्यम से ये एक कदम नशा मुक्ति की ओर, ये जो कार्यक्रम रखा गया है दोस्तों, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट, कोई व्यक्ति अगर शराब नहीं भी पीता है, शराब से प्रभावित नहीं भी है, तो उसके संज्ञान में एक व्यक्ति जरूर ऐसा कोई शराबी होगा, उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके मोहल्ले में, उसके कार्य क्षेत्र में, जिसको वो जानता होगा कि यार ये व्यक्ति शराब ज्यादा पीता है या शराब से प्रभावित है, उस व्यक्ति को वो हमारा संदेश इस संस्था का दे सकता है। धार में नशा मुक्ति अभियान की के लिए आज हमने एल्कोहलिक एनोनिमस जो एक संस्था है उसे बुलाया था और उसके कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आके इंस्ट्रक्शन दिए। और बेसिकली एक ऐसी संस्था है जिसमें आपका नाम जो है गोपनीय रखा जाता है और बिना किसी चार्ज के निःशुल्क यदि आप ज्वाइन करते हैं, एक ग्रुप थेरेपी का सिस्टम है जिसमें यदि आदमी जुड़ता है तो कुछ समय बाद शराब छोड़ता है। 1935 से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं। इंडिया में ही 40,000 सोबर मेंबर्स हैं, उनको आज यहाँ धार में बुलाया था और एक कोशिश की है कि मैक्सिमम लोग जो अल्कोहलिक्स हैं वो उनके साथ जुड़े। अब मैंने एक पुरस्कार की घोषणा की है, यदि कोई भी पुलिस का स्टाफ अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ के या फिर किसी भी प्रकार से यदि शराब छोड़ता है, अल्कोहलिज्म छोड़ता है, तो 15 अगस्त पे मेरे द्वारा उसे 10,000 रुपये का इनाम और जो है 15 अगस्त के फंक्शन में उसे इनाम दिलाया जाएगा। देखिए, नशा अपराध से लिंक्ड रहता है और कुछ परसेंटेज ऑफ क्राइम जो है वो नशे की हालत में ही किया जाता है। इस पर हम अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं और हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, ऐसी जगह पे ये सब कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, परंतु ये एज अ वेलफेयर मेजर हमारे स्टाफ के लिए है, जो लोग स्टाफ के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी है, जो भी जुड़ना चाहे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। और इसमें मंशा ये है कि एज अ वेलफेयर मेजर जो स्टाफ इस चीज़ से परेशान है वो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे नशा मुक्त कराया जा सके।